श्रीलंका ने जीता टॉस, फील्डिंग का किया फैसला, विच वॉज इन आर ओपिनियन भाई बहुत बड़ी एडवांटेज था। पहली गेंद पर आउट कर दिया पृथ्वी शॉ को, डेब्यूटेंट को कहा टाटा बाय बाय। 164 पे रोक भी दिया भारत को, लेकिन उसके बाद भी भारत ने श्रीलंका को थमा दिया 38 रन से हार। टी20 आई श्रृंखला में 1-0 से बना रही है बढ़त, और ये थी श्रीलंका की पिछले 11 टी20 आईज में से 10वीं हार। यस, दे आर ऑन अ लूजिंग रोल, और भारतीय टीम जो है उसकी तो खैर क्या बात है। और आज का मेरा ट्रिविया आपके लिए है कि टी20 डेब्यू पे किस भारतीय का सबसे बढ़िया प्रदर्शन है बल्ले के साथ, विच बैट्समैन हैज स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स ऑन हिज टी20 आई डेब्यू, पता है आपको उसका नाम? हैशटैग आकाशवाणी, इसमें श्रीलंका दौरे की है कहानी। और ट्रिविया मतलब मैं सिर्फ आपको एक हिंट देता हूं कि खिलाड़ी अभी भी खेल रहा है, एक्टिव क्रिकेटर है भारत के लिए, लेकिन टी20s में नहीं खेल रहा है, इनफैक्ट व्हाइट बॉल क्रिकेट ही नहीं खेल रहा है। चलो छोड़ो सारी बात, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए भी कंसिडर नहीं होते, पर ही इज अ करंट प्लेयर, बहुत बड़ा हिंट दे दिया ना। बट एनी हाउ, चलो आगे की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है ये अनबिलीवेबल खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी ने बड़े लंबे समय से मतलब कतार में लगे हुए थे भैया, मेहनत करते जा रहे थे, और इनफैक्ट वो 2011 का एक रोहित शर्मा का ट्वीट भी था कि भाई मैंने एक खिलाड़ी देखा सूर्य कुमार, देखो बड़ा चमकेगा यार। अब सूर्य को भैया ढक सकते हो थोड़ी देर के लिए, उसकी रोशनी को छुपा सकते हो, बादल आ जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट, बट चमक उसकी मतलब लंबे समय तक आप रोक के नहीं रख सकते, वो तो चमकेगा। सूर्य का काम चमकना है, वो चमका एक बार फिर। 4 नंबर पर उन्होंने बैटिंग की, और 4 नंबर पे मतलब चौके और छक्के उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से जड़े। जो बात मुझे उनकी बहुत खास लग रही है वो ये है कि फील्ड को खेलते हैं, बॉलर को तो खेलते ही हैं पर फील्ड को खेलते हैं। इसी उड़ाना की गेंद है, स्क्वायर लेग का फील्डर आ गया, उसके ऊपर से टफ शॉट है, वो टफ शॉट है, स्वीप मारना मार दिया, कीपर के ऊपर से शॉट मार दिया, फिर इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर शॉट मार दिया, जहां जहां वो गैप्स दिखते हैं ना वहां मारने का प्रयास करते हैं, और सिर्फ प्रयास नहीं करते उसमें कामयाब रहते हैं। तो फिर ये बात सूर्य कुमार यादव को एब्सोल्युटली क्लास बनाती है, आउटस्टैंडिंग बनाती है, और उसी के चलते आई बिलीव कि जा रहे हैं इंग्लैंड की तरफ, तो वो उड़ने वाली उनके जहाज साथ में होंगे पृथ्वी शॉ, He'll be playing test cricket as well, maybe fantastic। अब ये अगला T20 खेलेंगे नहीं खेलेंगे बीच में थोड़ा सा डाउट है, पर इंग्लैंड जा रहे हैं ये बात तो ऑलमोस्ट तय हो चुकी है। अब जरा मैच की बात कर लेते हैं। पृथ्वी शॉ का डेब्यू हुआ, रन उन्होंने बनाए नहीं, पहली गेंद पे आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती का भी डेब्यू हुआ, ईशान और संजू सैमसन दोनों साथ में खेल गए, चहल वापस आ गए, चहर वापस आ गए, भूवी वापस आ गए, और कृणाल पांड्या वापस आ गए, जो पूरे घर के बदल दिए थे ना, मतलब सारी की सारी बोलिंग जो अटैक था वो चेंज कर दिया था आखिरी ओडीआई में, जो पहले दो खेले थे ओडीआई वो सारी की सारी बोलिंग वापस आ चुकी है। अब टॉस जीत के फील्डिंग करना ऑन अ ग्रीनिश सरफेस, थोड़ा सा मॉइस्चर विद रेन अबाउट, ऐसा लगा कि श्रीलंका का एडवांटेज रहेगा, और पहली गेंद पे विकेट चटका दो, बहुत ही बढ़िया। संजू सैमसन आते हैं 3 नंबर पर। अब संजू का क्या है, देखिए संजू बाबा का ऐसा है कि ना जब खेलते हैं ना क्या खेलता है यार, मतलब एकदम मक्खन मलाई खेलता है, और इसी वजह से शायद गौतम गंभीर उनके बहुत बड़े फैन है कि कहीं पे भी किसी भी आप दर्जे की आप उनको क्रिकेट खिला लीजिए, किसी भी पिच पे खिला लीजिए, किसी भी ऑपोजिशन के सामने खिला लीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। ही इज व्हेन ही इज बैटिंग लुक्स वेरी इजी, लेकिन उसके बाद लोग गलती भी करते हैं, आउट भी होते हैं, दैट इज ऑल्सो पैटर्न। एक ऑलमोस्ट सीधी सी गेंद थी जिसको गलत लाइन पे खेल गए, आउट हो गए। शिखर धवन दूसरे एंड पे खेल रहे थे, उनकी भी इनिंग्स थोड़ी अलग तरीके से चली, क्योंकि शुरुआत बड़ी ताबड़तोड़, उसके बाद एकदम से रन बॉल ऑलमोस्ट चल रहे थे, उसके बाद फिर एक ओवर बड़ा बनाया, फिर कुल मिला के 127 की स्ट्राइक रेट पे आउट हो गए। अब 127 का स्ट्राइक रेट, डज इट कट इट, इज इट इनफ, वाज इट ओके इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस मैच कॉन्टेक्स्ट में देखे तो सही है, लेकिन अगर आप भारतीय दृष्टिकोण से देखें वहां लगता है बातें ही आजकल बड़ी बड़ी होती है कि भैया हम तो अग्रेसिव हैं, इंटेंट हम पॉजिटिव खेलेंगे, हम अलग ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे, वो वाली तो इंटेंट नहीं थी, बट देन जो शिखर ने किया वो तो किया, मतलब रन तो बनाए हैं, और उन रनों की हमेशा वजन रहेगी, और अभी 2 मैचेस और हैं, तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग कि वहां से कहां जाते हैं आगे। पर सूर्य कुमार यादव वो कहां जा रही है बात पक्की है, वर्ल्ड कप टी20 जो होने वाला है, टी20 वर्ल्ड कप, उसमें उनकी जगह ऑलमोस्ट पक्की है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बैटिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं जनाब, इतने प्यार से खेल रहे हैं, इतने कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, लगता है जोखिम उठा रहे हैं, पर अगर जोखिम है तो फिर निरंतरता नहीं हो सकती, अगर दोनों चीजें हैं तो फिर एक अबाव हार्दिक पांड्या के बल्ले से ही बॉल नहीं करती, विच इज स्ट्रेंज, क्योंकि हमने यही बात की ना, हिज क्लास है, पर नहीं चल रहा है बल्ला यार, उनकी बैटिंग आती है नंबर 5 पे भी खेलते हैं, रन नहीं बनते हैं, स्ट्रगल करते हैं, आउट भी होते हैं, ईशान किशन आके एक दो बड़े शॉट जरूर लगाते हैं, कुल मिला के 164 नॉट बैड स्कोर, विनिंग स्कोर एट दैट पॉइंट इन टाइम पता नहीं था, एंड आप पढ़ते से जीत गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, पर जब आती है श्रीलंका की बैटिंग फिर वही कहानी है, नहीं गेंद अच्छा खेलते हैं, फिर अविष्का फर्नांडो को शुरुआत मिलती है, फिर वो आउट हो जाते हैं, अपनी विकेट फेंक जाते हैं, और एक बार फिर श्रीलंका अकेले पड़ जाते हैं। आई मीन दिस इज द स्टोरी दैट्स पैनिंग आउट एवरी सिंगल
सिंगल टाइम। और यहाँ पे आविष्कार से सवाल पूछेंगे, कप्तान को पूछेंगे, कोच भी पूछेंगे कि भाई साहब इतने मौके मिल रहे हैं, इन मौकों को आप गवाते जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आप मौके ढूंढोगे आपको मिलेंगे नहीं। सो दैट्स बीन हिज स्टोरी। पर असर अंका अच्छा खेल रहे थे और वहां पर बीच में एक्चुअली आई यूजी चैल, ही इज द पिक ऑफ माय बॉलर्स। इनफैक्ट भुवी ने लिए चार विकेट, भुवी ने पहले एक नई गेंद से फिर तीन पुरानी गेंद से, चारों में चार विकेट ले लो तो ताली बजानी तो चाहिए, बिल्कुल बजानी चाहिए, पर ताली उससे ज्यादा बजनी चाहिए उस खिलाड़ी के लिए जिसे चारों में सिर्फ 19 रन दिए, एक विकेट चटकाया, 10 डॉट गेंदें डाली, नाम उसका यूजी चहल। आउटस्टैंडिंग है बॉस, वन ऑफ द फाइनेस्ट T20 स्पिनर्स गोइंग अराउंड, वन ऑफ द फाइनेस्ट वाइट बॉल बोलर गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड। इंडिया इज वेरी फॉर्चुनेट कि आपकी टीम में आपका सभी राहुल चार बाहर बैठे हुए हैं, बट देन यूजी चहल मेरा बहुत फेवरेट है। उनकी गेंदबाजी अच्छी, वरुण चक्रवर्ती को शुरू में थोड़ी पिटाई हुई एक्चुअली, बहुत अलंका ने ठीक ठाक उनको तड़ी दी, थोड़ा दबाव भी डाला, पर इवेंचुअली 7.5 रन प्रति ओवर अगर आप देते हैं और एक विकेट आप चटका लेते हैं, ठीक ठाक डेब्यू हो गया इनका भी। कृणाल पंड्या नई गेंद से एक बार वो पावर प्ले में आके एक विकेट चटका दी, उन्होंने भी थम्स अप वाला काम कर दिया। हार्दिक पंड्या की बॉलिंग स्टिल ओके, आई मीन हार्दिक पंड्या का तो टोर ही अच्छा नहीं जा रहा ना बैटिंग से ना बॉलिंग से, मे बी दो T20 आइज बचे उसमें कुछ अच्छा खास कर दें तो फिर मजा आ जाए। बट देन दीपक चाहर, भूवी की हमने बात की कि चार विकेट उन्होंने चटकाए, पर दीपक चाहर दैट्स ऑल्सो स्टोरी दैट्स डिवेलपिंग वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। पहला ODI, दूसरा ODI, फर्स्ट T20 आए, नई गेंद से विकेट नहीं पर पुरानी गेंद से आके लगातार विकेट चटकाना, दो, सो ही इज बीन गुड, अच्छी बात है, मतलब क्योंकि फेदर टू हिज कैप, नई गेंद से विकेट तो वो अभी ले लेंगे UAE में जाके, पर डाल रहे हैं गेंदबाजी कर रहे हैं अच्छी विकेट, एक नई तरीके से विकेट चटका रहे हैं, सो इट्स बीन गुड। सो इंडिया जीत गई है, विच इज अ ग्रेट स्टोरी। क्योंकि मैंने IPL की बात करी थी तो वो भी बताया तो आपको जाते जाते कि 19 सितंबर मेरे बर्थडे के दिन एक बार फिर IPL शुरू होगी, 15 अक्टूबर को होगा फाइनल, उसके कुछ दिनों के बाद मैं 2-4 दिन के बाद ही क्विक टर्न अराउंड वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शॉ ऑल्सो गोइंग फॉर टू इंग्लैंड, मतलब वो टेस्ट टीम का हिस्सा बनने वाले हैं, दैट्स अनदर ब्रिलियंट स्टोरी दैट वी आर फॉलोइंग। अब जो मेरा ट्रिविया था कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए भारतीय बल्लेबाज T20 डेब्यू में, द नेम इज अजिंक्य रहाणे, स्कोर 61 रन, अनलाइकली हीरो राइट, बट देन दैट्स द आकाशवाणी फॉर टुडे। कल फिर मिलेंगे, कल तो फिर बात करेंगे प्रीव्यू की, भाई दूसरे मैच में क्या बदलाव हो सकता है, हो सकता है कि पृथ्वी शॉ सूर्य कुमार उपलब्ध ही ना, दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, पर उसकी बात कल करेंगे। जाते जाते आपके साथ मेरी आकाशवाणी, लाइक करना, शेयर करना, इसको अपने प्रोफाइल पे पिन करना है और कमेंट सेक्शन को भर देना है। कल मिलेंगे, देख के एकदम मिट्टी की पिच है, ओ गेंद मैंने देखी नहीं पर मेरा हुनर सबको दिखा दिया, ओह स्वैग है जनाब का, वाह।